तो मेरे पास आई थी टोटल 8 एपिसोड्स. तो 8 एपिसोड्स में ये हुआ था सो फार कि यू नो हरीम सहर को डिफेंड कर रही है एंड पीछे से सहर और जामिन का वो सब कुछ रोमांस चल रहा है. तो आई इमीडिएटली कनेक्टेड विद दिस कैरेक्टर बिकॉज आई फील लाइक मेरी एक दोस्त है, एक बहुत स्वीट सी दोस्त, एंड शी इज लाइक दिस, जो दिल की बहुत अच्छी है. शी इज वेरी काइंड और लोगों में उसको कभी कुछ नेगेटिवली नजर आता. सो आई काइंड ऑफ कनेक्टेड विद दैट कैरेक्टर ऑन दैट बेसिस. एंड सो आई वाज रियली एक्साइटेड शुरू से, एंड स्पेशली बिकॉज मुझे पता नहीं था कि आगे होगा क्या. तो इट्स लाइक वी ऑल वर मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर ऑन दिस जर्नी ऑफ फाइंडिंग आउट कि इन कैरेक्टर्स सब होता क्या है. अच्छा, अब मुझे एक सवाल जो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया, जो आपने कहा कि आप यू वर मेंट टू डू अनदर कैरेक्टर, तो आर यू टॉकिंग अबाउट अनदर कैरेक्टर इन थोड़ा सा हक और इन सम अदर ड्रामा? No, in some other drama. ठीक है ओके. तो जब ये आपके पास कह रहे, अब आपने बातों में ये कहा कि जब आपको ब्रीफ किया गया तो आपको ये कहा गया कि ये हरीम है, स्वीट सी है, डम सी है. पर्सनली मुझे नहीं लगा अभी तक कि हरीम डम है कैसे. ये वैसे मैं डिसएग्री करूंगा आपकी बात से. ये क्यों Really? कहा आपने? Okay. So basically, मैंने नोटिस किया है कि ऐसी जो लड़कियां होती है ना, जो इकलौती यू नो माँ बाप की लाडली, वेरी शेल्टर्ड, तो ये वो KGS के बर्गर वाले बच्चे होते हैं ना, वैसे हैं. एंड सो बेसिकली दीज किड्स, दे आर नॉट डम इन द इंटेलेक्चुअल सेंस. उनके अंदर वो स्ट्रीट स्मार्ट्स नहीं होती, उनको चलाकियां नहीं आती, और उनको ये भी नहीं पता होता कि लोग मतलब आपसे झूठ बोल सकते हैं. दे आर अनअवेयर. बट आई बेग टू डिसएग्री अगेन, बिकॉज अभी जो चालाकी हरीम ने दिखा दी है, ये तो मतलब है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस का कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, ये जो उसने सारा बेहोशी का अब ड्रामा वो हो गया किया. ना, सर्कमस्टांसेस ने उसे कर दिया है ऐसा, हाँ, वरना वो थी नहीं ऐसा. मैं पता है, मैं क्योंकि पहले एपिसोड से देख रहा हूँ, और हरीम इन पर्टिकुलर जो हरीम की जर्नी रही है, मेरा हमेशा से स्टांस यही रहा है कि हरीम ने ना कोई गलती की है अभी तक, ना उसने कोई गलत स्टेप उठाया, ना उसने कोई नाइंसाफी की है किसी भी और कैरेक्टर को लेके, स्पेशली सहर सहर के कैरेक्टर को लेके. और जो भी ज्यादती हुई है वो इनफैक्ट हरीम के साथ हुई है. जो भी I completely नाइंसाफी हुई है वो हरीम के साथ हुई है. सो इट्स एक्चुअली कम एज अ शॉक टू मी व्हेन यू से कि यार कि ये डम सी है, या इसको पर्टिकुलरली द फैक्ट यू सेड कि डम सी है, बिकॉज मैं उसकी डमनेस को जो आपको लग रही है उसकी हमेशा स्वीटनेस समझता आ रहा हूँ. शुरू में भी उसकी जब सहर आई है घर में, भोलापन हाँ, तो अच्छा, या अब जिस मोड पे ये स्टोरी आ गई है वेयर सहर प्रिटी मच नोज के उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी हरीम और हरीम की फैमिली, हरीम प्रिटी मच नोज के जामिन जो है उसको तो बस हेड ओवर हील्स प्यार हो गया शहर के साथ, तो वो तो उसका खता नहीं छोड़ेगा. तो यू एज एन एक्टर हुज प्लेइंग हरीम, हाउ डू यू सी दिस डायनामिक दैट देयर इज अ मैरिड गाय, उसने पहले वो ये कहता है कि जी मेरे ऊपर मुझे फोर्स किया गया सॉर्ट ऑफ शादी करने के लिए, ठीक है फोर्स कर लिया गया तुम्हें, तुमने शादी भी कर ली, बट ही देन ही गोज एंड फॉल्स इन लव विद द गर्ल. देन वो अपनी मंगेतर को बताता नहीं है कि यार कि मेरा एक दूसरी लड़की के साथ मुझे प्यार हो गया या मैंने शादी की है. शादी एंड निकाह के टाइम पे वो उसको बता देता है. मैं तो ये कहूंगा उस वक्त भी लोगों ने ये कहा कि हरीम को शादी नहीं करनी चाहिए, बट हरीम को उसने ये इंडिकेशन तो नहीं दी थी उस वक्त कि मैं कुछ शहर से प्यार करने लगा. उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं उससे शादी मेरी फोर्सफुली हो गई थी, तो हरीम ऑलवेज थॉट कि ही स्टिल इन लव विद मी, और हरीम ने उससे शादी कर ली कि ठीक है मैं इससे शादी कर लेती हूँ, ये उसको तलाक दे देगा एंड वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. बट लिटिल डिड हरीम नो कि वो तो 3 दिन उधर रहना चाहता है और 3 दिन इधर रहना चाहता है. तो ये डायनामिक को आप कैसे देखती हैं? मैं कहती हूँ कि इस लड़की के साथ सख्त जाती हुई है. दीज आर लाइक, एक चीज है कि आपको बचपन से एक चीज आपके पास है, उस चीज से आप मतलब क्या कुछ 20-22 साल से आप मोहब्बत करते हो उस इंसान. दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स अ लॉट ऑफ लव. और फिर ये बंदा नॉट ओनली इज ही योर फियांसे, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका कॉन्फिडेंट है, वो इंसान है जिसको आप डिफेंड करती हो अपनी माँ के सामने, हर वक्त डिफेंड कर रही होती हो, यू नो उसकी इज्जत के लिए लड़ रही होती हो, एंड फिर वही बंदा आके आपको डस दे. सो
So it's very painful. So I personally think I don't think Harim hates Seher. I've never thought she hates Seher. Mujhe hamesha laga hai ki she's hurt by Seher. Usse dukh hai ki maine Seher ke liye jitna kiya. Maine usse apni behan mana. Meri zindagi mein kabhi koi behan bhai nahi tha aur maine isse apni behan samajh ke apni zindagi mein accept kiya tha, apne ghar mein jagah di thi, izzat di thi. Aur phir is insaan ने सबसे बड़े धोखे में इतना उसका मतलब वेट था उस धोखे में. सो आई दैट दैट्स व्हाट आई थिंक दैट शी इज हर्ट बाय सहर एंड दैट जामिन ने तो बस उसे तोड़ दिया. तो आपको क्या लगता है कि हरीम अभी भी क्यों हेल बेंट है जामिन के साथ रहने के लिए? अब तो उसे सिचुएशन क्लियर हो गई. चले जब शादी हुई थी तब नहीं पता था कि जामिन प्यार करता है सहर से, अब उसको समझ आ गई है. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप स्टोरी रिवील कर दें, बट यू एज एन एक्टर हु इज प्लेइंग हरीम, पर्सनली आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि आपको क्यों लगता है कि हरीम अभी भी क्यों पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई जामिन के? सो हरीम ऑब्वियसली इज नॉट मेंटली कंप्लीटली देयर एनीमोर. वी अंडरस्टैंड दैट. सो फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, मैंने जितने सीन्स पढ़े हैं इन डेप्थ, आई हैव अंडरस्टूड कि शी इज अ वेरी कोडिपेंडेंट पर्सन. So she always has to have someone जो उसके पीछे खड़ा हुआ है. और जब उसके पीछे कोई खड़ा हुआ नहीं होता तो वो हर जगह गिरना शुरू हो जाती है, जैसे पिछले एपिसोड में हो रहा था कि बाप पीछे नहीं खड़ा हुआ था, माँ नहीं खड़ी हुई थी, चची नहीं खड़ी हुई थी, जामिन नहीं था. सो हरीम वॉज जस्ट काइंड ऑफ ऑल ओवर द प्लेस. सो शी इज नॉट ओनली कोडिपेंडेंट, लेकिन आई थिंक शी इज सिवियरली डिप्रेस्ड राइट नाउ. एंड एक होता है ना, व्हेन अ पर्सन गोज थ्रू PTSD, व्हेन यू हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, there's a time period of shock jisko you have to live through that time to accept it and reach a point where you become stagnant and then you begin to recover. Lekin is ladki ke sath matlab shock pe shock pe shock pe shock, like they're just not giving her time to be okay. Like chhod de bachchi ko, sambhale usse, understand her, koi samajh nahi raha. So I think that she is just not entirely there. And she needs help, लेकिन कोई उसकी help कर नहीं पा रहा. But wouldn't you agree के जो हरीम की मदर है, जिनको हम प्यार से राबिया ताई कहते हैं, तो राबिया ताई is I feel that she's been there throughout. And कुछ उनके जो actions हैं, वो of course questionable हैं, जो उन्होंने जामिन को मार पिटवाई है अभी हैदराबाद में, वो ठीक है, वो नहीं उन्हें करना चाहिए था. बल्कि मैं तो एक पॉइंट पे मैंने ये भी कहा कि ठीक है यार, बेटी के प्यार में एक इंसान अगर आपकी बेटी के साथ इतनी ज्यादती की और इतना अनफेयर हुआ हो, अगर आपने उसको थोड़ी सी मार पड़वा दी तो ठीक है, लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था, इतनी मार नहीं पड़वानी चाहिए कि वो बेड पे लग जाए, वो भी ठीक है. बट राबिया ताई हैज ऑलवेज बीन देयर, शी इज ऑलवेज यू नो टेकन अ स्टैंड, चाहे वो हरीम के फादर के सामने हो, चाहे जामिन के सामने हो, चाहे अगेन मुनज़्ज़ा ताई, हम प्यार से उन्हें कहते हैं मुनज़्ज़ा ताई के सामने हो, शी इज ऑलवेज देयर. And even, you know, Munazza Tai, who's playing your mother-in-law, she also comes to you. So, jo agar dekha jaye, hame jo nazar aa raha hai, hamare point of view se, obviously, aapka point of view alag ho sakta hai. But hame to ye lag raha hai ki ye teen khawateen ab sort of milke scheme kar rahi hai seher ke khilaaf. Aapko aisa nahi lag raha? Nahin. So, the way I see it is ke, ek to jab ek ladki apna ghar basa rahi hoti hai na, usse basane de. ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड, हरीम मेड हर चॉइस. शी कुड हैव चोजन कि यार मैं जामिन को छोड़ दूं. नहीं, शी एक्सेप्टेड दैट ओके दिस इज द वाइफ, आई एम गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम. शी ट्राइड टू विन हिम. व्हेन शी वाज ट्राइंग टू विन हिम, जो हरीम की अम्मी है, शी केप्ट डूइंग जाती विद जामिन. उनकी वजह से जामिन गया घर से, यू नो व्हाट आई मीन. सो शी डिडंट सपोर्ट हरीम. ऊपर से द मदर इन लॉ, लाइक आई फील लाइक सब के ना अपने अपने एजेंडाज हैं, तो सब अपने तरीके में अपना बेस्ट समझते हुए वो कर रहे हैं जो उनको लगा है यार दिस इज द बेस्ट फॉर दिस गर्ल, दिस हाउ आई हेल्प हर. लेकिन असल में व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि वो लड़की कुछ और कर रही होती है, माँ कुछ और कर रही होती है, ताई कुछ और कर रही होती है, एंड दे ऑल काइंड ऑफ जस्ट गेट ऑल ओवर द प्लेस. एंड जामिन जस्ट लाइक आर यू थ्री क्रेजी, एंड दैट्स हाउ इट कम्स अक्रॉस टू हिम. सो शी इज, आई फील लाइक हरीम जस्ट वॉन्टेड के उसकी अम्मी उसे थोड़ा सपोर्ट करे, यू नो, बस शी शुड बी अ शोल्डर टू क्राई ऑन. अगर वो जामिन को विन करना चाह रही है, वो बोले हाँ बेटा तुम अपना घर बसाओ, आई एम विथ यू, वी विल डील विद दिस इश्यू लेटर, राइट नाउ विन योर हस्बैंड बैक.
लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी जिद खड़ी की हुई थी, which was another factor of stress for this girl. अच्छा, पर्सनली मैं ना हरीम का सबसे, मुझे लगता है सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ. मुझे लगता है कि हरीम ने अभी तक कोई गलत नहीं किया, लेकिन the way the character has been written, do you feel as an actor who's portraying that character, कि हरीम को थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है? क्योंकि वही एक हमारे ड्रामों का ये भी अक्सर प्रॉब्लम होता है ना, जो लड़की अच्छा शलवार कमीज पहन के सर पे दुपट्टा रखे, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, बट यूजुअली होता ही है कि जो भोली भाली मासूम है वो वाली सही है. ये थोड़ी सी जैसे आपने कहा बर्गर है या कूल है या अंग्रेजी बोल लेती है या यू नो सर पे ट्रेडिशनली दुपट्टा लेके नहीं फिर रही, ये जो है इविल है, तो बस अब जो जामिन है वो उसके पास रहे और उसके पास जाए तो सही है, इसको कटा दे तो बेहतर है.